दोस्तों, कैसे हो? आज आप हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम भाई हमारे दूसरा कंप्यूटर बिल्ड करने वाले, जिसके कंपोनेंट्स हमारे पास आ चुके हैं। तो और ये एक्चुअली हमारा कैबिनेट है, जिसे हमने इस बार फॉक्सिन का लिया हुआ है। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको बता दूँ, ये फॉक्सिन का हमने कैबिनेट लिया हुआ है। बेसिकली फॉक्सिन का रेस मॉडल लिया हुआ है। एंड हम इस बार जो प्रोसेसर यूज़ करने वाले हैं, वो हम यूज़ करने वाले हैं इंटेल i3 सेवेंथ जेन का प्रोसेसर यूज़ करने वाले हैं। आपको दिख रहा होगा 710T है, ये इस प्रोसेसर को हम यूज़ करने वाले हैं। और ये हमारा CPU का फ़ैन है, बेसिकली कुछ डब्बे अलग में आए। मदरबोर्ड में हम बात करें तो हम यूज़ करने हैं एंट वैल्यू का H110MAD 4N वाला मदरबोर्ड यूज़ करने वाले, जो कि चलो एंटी स्पोर्ट्स का ही एक ब्रांड है, तो इसको हम यूज़ करने वाले हैं। और इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। और ये हमारे और ये मदरबोर्ड जो कि 6th and 7th gen के प्रोसेसर्स को सपोर्ट ले लेता है, चाहे i7 हो, i5 हो या i3 हो, प्लैटिनम एंड सेलेरॉन को भी सपोर्ट ले लेता है। एंड बेसिकली इसको हम यूज़ करने वाले हैं। और इसमें हम जो है रैम, हम स्टारलाइट ब्रांड का यूज़ करने वाले हैं, जो कि 8 GB का DDR4 2666 MHz वाला रैम है। और हम इसमें जो, और ये हमारा पावर सप्लाई है, जो बेसिकली हमें इस कैबिनेट के साथ ही मिला था, तो इसको हम साइड में रखते हैं, 500 वॉट का है। एंड बेसिकली हम जो हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं, वो है कंसिस्टेंस का 500 वॉट का, जिस जो कि इसके पहले हमने यूज़ किया था, 2 साल का वारंटी वाला, तो इसको हम यूज़ करने वाले हैं। और एक SSD भी है, जो हमारे पास अब तक आया नहीं है, जो कि हमने ऑनलाइन पर ऑर्डर किया था, वो अपने जैसे ही आएगा हम आपको बताएंगे। तो चलो एक एक करके हम इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं एंड बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। अभी तो हमारे पास SSD आया है नहीं, और हमें इसको ज़रा असेंबल करना है। तो हम SSD जब आएगा तब हम इसको इंस्टॉल अलग से कर देंगे। तो अभी के लिए हम एक काम करते हैं, इसको अब असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मदरबोर्ड की तरफ जाते हैं। तो ये बेसिकली हमारा जो मदरबोर्ड है एंट वैल्यूज़ का, एक्चुअली मेरा प्लान ये इसी का था एंट वैल्यूज़ का देखने के लिए, बट मार्केट में थोड़ा टेंशन भी था कि अगर नहीं मिला तो हमने फ्रॉन्टेक का लेने का सोच के रखा था। तो चलो भाई इसको, इस सील को ब्रेक करते हैं जल्दी से। बेसिकली हमने इसके सील को खोल दिया, जल्दी से इसको ओपन करके देखते हैं। ओके, तो हमें ये पहले मिलता है ये IO सील्ड, जो कि हर मदरबोर्ड के साथ आता है, इसको साइड में रखते हैं। एंट वैल्यू का एक कार्ड, जो कि ठीक अच्छा है, इसको साइड में रखते हैं। ये एंट वैल्यू की ड्राइवर की DVD प्लेयर, और ये उसका एक मैनुअल टाइप हम कह सकते हैं मदरबोर्ड का, इसको साइड में रखते हैं, बेसिकली साइड में रखते हैं। और इसके नीचे है हमारा मदरबोर्ड, ये है हमारा मदरबोर्ड। इसके साथ हमें एक साटा केबल मिलता है, एक ही साटा केबल मिला है, ये एक थोड़ा इशू हमारे लिए बाद में हो सका, क्योंकि हमने जो SSD ऑर्डर किया वो साटा वाला ही है, तो हमें वो बाद में लेना पड़ेगा। और ये है हमारा मेन प्रोसेसर एंट वैल्यूज़ का, तो इसको अब हम खोलते, तो इसको अब हम सील खोलना है, तो खोलते इसको, इसको हम जल्दी जल्दी से काट लेते हैं। ये है हमारा ये है हमारा मदरबोर्ड, काफ़ी अच्छा ही लग रहा है एंट वैल्यूज़ का। तो यहाँ पे पोर्ट्स इसके 2 USB, एक VGA, एक HDMI, 2 USB 3.0, 2.0 ईथरनेट केबल, यानी ऑडियो का ये पोर्ट्स है, 4 SATA केबल, सब कुछ है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसको भी रखते हैं और अभी प्रोसेसर को खोल के देखते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो ये हमारा प्रोसेसर है, इसको अब हमें जल्दी से खोलते एक बार। कौन से One hour later. बहुत है ना, और भी खुलना है क्या? आराम से खुल जाना, ठीक। तो बेसिकली ये हमारा प्रोसेसर निकला फाइनली, तो इसके अभी एक बार निकाल के देख ले ज़रा कैसा है। तो ये हमारा प्रोसेसर है, और ये इसमें देखो विदाउट पिनलेस हम कह सकते हैं, इसके पहले वाले जो हमने AMD 3 पे लगाया था उसमें पिन्स थे, इसमें पिन्स नहीं है। जो एक काम करते हैं, इसको भी इंस्टॉल करते हैं हम अपने मदरबोर्ड पे, साइड में रखते। तो हमारा मदरबोर्ड आ चुका है हमारे पास,
सो बेसिकली इसको अब हम यहाँ पे लगाएंगे, इसके जो जगह है वहाँ पे, तो ये इजीली खुल जाएगा। कूलर के बाहर करना है, इसको इधर करना है, ये ऑटोमेटिक ऐसे खुल गया। तो इसको आपको थोड़ा संभाल के खोलना पड़ेगा क्योंकि वरना अगर इसकी एक भी पिन डैमेज हुए, ये जो मदरबोर्ड के नीचे के जो पिन्स हैं यहाँ पे, एक भी पिन डैमेज हो तो बहुत प्रॉब्लम होने का थोड़ा इशू है। तो इसको लगाते हैं हम। तो आपको देख लेना है, तो बेसिकली आपको देखना क्या होगा कि ये जो मदरबोर्ड के साइड में आपको दिख रहा होगा कि नहीं, आई डोंट नो, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ, जो आपको यू टाइप्स के दो ना, आपको एक लॉकर्स टाइप के मिलेंगे कटआउट, मतलब एक बम्प टाइप का। तो वो बेसिकली हमारे जो प्रोसेसर है उसमें भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटू सा। तो अब इसको हमें इसमें लगाना है, एकदम संभाल के लगाना होगा इसको हमें। इसको लगा देते हैं, लगने के बाद एक बार आपको देख लेने की सब ठीक से है कि नहीं, बस अच्छे से बैठ चुका है ये। आपको करना ये कि बस इसको आपको ऐसा रखना है, इसको आपको ऐसे जस्ट पुल डाउन करके जैसा था आपको वैसा रख देना है, दैट्स इट। प्रोसेसर का हमारा जो काम है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम करने क्या वाले कि इसका जो फ़ैन है उसको हम इंस्टॉल करने वाले, जो कि है ये, इसमें हमारा फ़ैन आया है, ओपन कर लेते हैं। बेसिकली ये जो है बीच में का, ये हमारा थर्मल पेस्ट है जो कि हर कंप्यूटर के सीपीयू में लगता है, आई मीन सीपीयू में लगता है, साइड में लगता है। एंड ये इंटेल का ही होगा, यस आई वाज करेक्ट, ये इंटेल का ओरिजिनल वाला है। तो इसके वायर को निकालते हैं और इसको हम एक बार सेट कर लेते हैं। बेसिकली हमें करना ये होता है कि इसको बस ऐसा देना है, ये अपना होल टू होल बैठ जाएगा एंड बस इसको प्रेस कर लेना है, मैं बस से अच्छा एक आवाज़ आता है एंड ये लॉक हो जाता है बेसिकली। ज़रा वायर्स का प्लीज़ मैं कहूँगा आप ध्यान रखिएगा। तो ये चारों भी लॉक हो चुके हैं, अब इसको एक बार हम उल्टा करके देख लेते हैं। तो यस दोस्तों, ये चारों भी हो चुका है, एकदम टाइट आपको दिख रहा होगा, तो बढ़िया है। अभी ये हो चुका है एंड इसका जो पोर्ट है बेसिकली एंटी स्पोर्ट्स, आई मीन टू से सीपीयू फैन का, ये ऊपर की तरफ है। तो इसको अब हमें लगा देते हैं, इसको पहले हमें एक ना घुमा के खोलना पड़ेगा। आई थिंक मैं कहूँगा आप इसको एक बार लूप ले लो, तो आपके लिए थोड़ा यू नो प्रोटेक्शन आपका बढ़ जाएगा। क्या ठीक है, तो मुझे इस टाइप से ये लग जाता है। चलो हमारा इसका जो काम है प्रोसेसर है इसका काम तो हो चुका है। अब जल्दी से हम अब भाई अपना जो रैम है उसको अब इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये जो है हमारा DDR4 रैम है, बेसिकली DDR4 है। तो हम आपकी मर्ज़ी, आप बाहर में भी लगा सकते हो, अंदर में भी लगा सकते हो, हम तो अंदर वाले में लगाएंगे। और ये DDR4 का जो है ये दोनों साइड से भी खुलता है, आपको दिखा दूँ, ये इस साइड से भी खुलता है, इस साइड से भी खुलता है। इसके पहले हमने जो किया था MSI में वो जो सिंगल साइड में था, जो इसको जो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, पर चलो सही है। और ये हमारा रैम है स्टारलाइट का, तो इसको अब जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। ये हमारा रैम है, इसको से भी हम ज़रा निकाल लेते हैं। तो ये भी सिंह हमारा रैम आ चुका है हमारे हाथ में, स्टारलाइट का 8GB DDR4 2666 MHz वाला रैम आ चुका है। अब इसको हम जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं इसमें। तो अब इसको हमें करना है, तो बेसिकली हम करेंगे इसको कि मदरबोर्ड जो है इसका ये जो पिन है इसको हमें एक बार देख लेना है, और ये कुछ इसमें ऐसे स्टाइल में हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, बस एकदम सिंपल शॉर्ट टाइप का है, आपको देना है एंड कैसे करता हूँ, आपको यहाँ पे अच्छे से लगाना है एंड लगा के आपको सिर्फ थोड़ा फोर्स करना है, बस देखो एक साइड का ऑटोमेटिक लॉक हुआ है एंड ये सेकेंड साइड का भी ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। बस इतना ही है, इसमें रैम लग चुका है। अब हम करने ये वाले कि अब हम इसको एक काम करते हैं, जल्दी से हमारा ये जो कैबिनेट है फॉक्सिन का,
इसमें हम इंस्टॉल करते हैं, तो जल्दी से कैबिनेट का अनबॉक्सिंग हो जाए। कैबिनेट है फोक्सिन का, नॉर्मल कैबिनेट हमने यूज़ किया क्योंकि जिसको चाहिए था उसने कहा था कि नॉर्मल वाला ही कैबिनेट चाहिए, तो इसको एक बार जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा कैबिनेट है, इसको थर्माकोल से ज़रा उतारते हैं, नीचे वाले को भी उतार देते हैं। तो ये है फोक्सिन का रेस कैबिनेट आपके सामने, ये थोड़ा यू नो लग गया थोड़ा गंदा। ये है, इसके सामने हमें दो USB पोर्ट्स मिल जाते हैं, एक रीसेट मारने का स्विच, यहाँ पे दो लाइट्स और एक यहाँ पे स्विच मिल जाता है। क्वालिटी अच्छे स्विच का मैं कहूँगा, रेड कलर का ये लगा हुआ है और यहाँ पे नीचे फोक्सिन लगा हुआ है। काफ़ी सिंप्लिस्टिकेटेड डिज़ाइन है बट काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। यहाँ पे एज आई थिंक ये जो कटआउट लगा हुआ है ये CD/DVD प्लेयर के लिए ही जगह दिया है एज आई थिंक, बट इसका जो टेक्सचर है हाथ देने में काफ़ी अच्छा सा फील आ रहा है। साइड में यू नो नॉर्मल कैबिनेट है तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है नहीं। पीछे की तरफ हमने सोचा था फ़ैन होगा बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे फ़ैन नहीं है, तो इट्स ओके चल जाता है, कोई प्रॉब्लम ऐसे है नहीं हम लोग को। तो चलो भाई इसका साइड का पैनल खोलते हैं एंड असेंबली करना स्टार्ट कर देते हैं। पर है दिख रहा होगा, तो इसको अब हमें निकालना होगा, तो इसको खोलते हैं निकालते हैं। तो दोस्तों ये स्क्रू जो है आपको हर हमारे कैबिनेट के साथ मिलता है, तो इसको आपके स्क्रूज को ना थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा। इसको हम रखते हैं साइड में, इस साइड में हम रखेंगे। पहले हम करेंगे ये कि इसमें जो हमारा आयो शील्ड है, ये आयो शील्ड को हम पहले इसमें लगाएंगे, उसके बाद मदरबोर्ड के स्क्रूज को लगाएंगे। ये आयो शील्ड को हम जल्दी से काटते हैं, ये हमारा आयो शील्ड है, इसको हम भी लगा देते हैं एंड ईजीली लग जाता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। आपको सिर्फ कोई ऐसा कुछ काम है नहीं, आपको सिर्फ साइड में रखना होता है। तो बेसिकली हमने इसको लगा दिया एंड ये बेसिकली थोड़ा इस कैबिनेट में लूज है बट तभी चल जाएगा, मदरबोर्ड लगने के बाद यू नो पूरा टाइटम टाइट हो जाएगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम होने नहीं वाला। तो मदरबोर्ड को हम लगाते हैं इसमें। सो बेसिकली भाई अब हमें करना ये होगा कि हमारा जो मदरबोर्ड है इसको हमें लगाते एक बार एंड देखते कि हमें कौन सा जगह पे स्क्रूज लगाने के लिए लगाएंगे, वायर को ज़रा मिलने वाला है तो ये आपको ज़रा देखना पड़ेगा। जो गोल्डन वाले जो स्क्रूज है इसको अभी हमारा काम है, इसलिए जो गोल्डन वाले जो स्क्रूज हैं इसको भी हमको लगाना होगा बेसिकली। तो ये हमारा प्रोसेसर मदरबोर्ड है, अभी इसको हम लगाते हैं। अब बेसिकली केबल्स को आप दोस्तों ज़्यादा खींचादारी मत करना वरना यू नो फट गया तो पूरा सेटअप ख़राब हो जाएगा। एक्चुअली आयो शील्ड निकालना था मैंने वो स्क्रूज लगाने के लिए, तो इसको अब हम ज़रा लगा देते हैं। तो बेसिकली कुछ इस टाइप से हमारा जो मदरबोर्ड है इसके अंदर फिट हो जाता है। तो बेसिकली स्क्रूज लगाने, तो बेसिकली हमें जो इसके साथ जो स्क्रू मिलेट है छोटे से आते हैं आपको बताता हूँ, ये वाले स्क्रू, ये स्क्रू से आपको लगाना होता है बेसिकली। तो चलो इसको भी एक काम करते हैं, जल्दी से लगा लेते हैं। बेसिकली ये लग चुका है अच्छे से और ये फ़ैन भी मस्त एकदम फ्री है। तो अब हम करना ये होगा कि हमें जल्दी से अब ये जो हमारा पावर सप्लाई है जो बेसिकली इसी के साथ हमें एक कॉम्बो के हिसाब से मिल गया है, ये भी फोक्सिन का CPU एंड बेसिकली इसका ये, तो इसको अब हम लगाते हैं। तो जल्दी से इसको अब हम खोल लेते हैं। तो कुछ हमने इसका पैकेट निकाल लिया, तो कुछ ऐसा कुछ है, ये इसका फैन अंदर का फ़ैन है जो कि ठंडा रखेगा, वही सब स्टीकर और ये 500 वाट का है और ये इसका वायरिंग सब है। इसके पहले टाइम पे हमने जो फ्रंट टेक का यूज़ किया था स्क्रूज मिल रहे थे, इसमें स्क्रूज मिले नहीं है, तो वही अब देखते हैं हमें क्या करना पड़ेगा। तो चलो, तो बेसिकली हमें ये स्क्रूज मिल चुके हैं। एक्चुअली ये हमने जो कैबिनेट के साथ हमें मिला था स्क्रूज उन्हीं को हम यूज़ कर रहे हैं। तो आप हो सकता है कि आपको जब एक अलग लेते हो तो उसमें आपको आई थिंक मिल जाए, आई डोंट नो एक्चुअली सॉरी, पर इसके पहले फ्रंट टैग वाले में मिला था हमें,
वो ज़रा आप एक बार चेक कर लेना शॉप में, उसको हम लगाते हैं, हम संभाल के लगाना होगा। और एक चीज़ याद रखना दोस्तों कि हमारा जो ये जो लेबर होता है जो पावर सप्लाईमेंट ये हमेशा ऊपर की तरफ ही आएगा, इसका फ़ैन बेसिकली इस तरफ आता है। तो बस कुछ इस तरह से आपका जो है टाइट हो जाता है। और करने हम ये वाले कि इसका केबल मैनेजमेंट को हम ज़रा देखने वाले कि कहाँ से कौन सा केबल जाता है कि नहीं जाता है। बेसिकली इसको सुना के रखते हैं हम, इस केबल को हमें देखना होगा। कुछ ऐसा वायरिंग्स खुल के आता है, बेसिकली ये जो वायर है ये 4x4 मतलब चार चार वाले जो पिन है उसको भी सपोर्ट ले लेगा, तो सही है एक्चुअल में। बट इसमें चार पिन का ही है, तो दिखा दे ये सिर्फ जो है तो इसको आपको करना है कि बस स्लाइड करके ऊपर ले लेंगे तो बस खुल जाता है, स्लाइड करके अंदर लोगे तो फिर से कनेक्ट हो जाता है, तो इसको हम खोल देंगे बेसिकली। तो बेसिकली अभी ये जो हमारा पिन है चार पिन वाला, तो ये जो अभी हमारा है इसको हम लगा देते हैं, इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, पहले के हमें पिन कर देना होता है, दैट्स इट। ये जो आपका साइड का रहेगा ये एक साइड में एक बम्प टाइप का रहेगा, उस तरफ ये फेसिंग करके रहते हैं, तो उसी तरफ आपको करना होगा। लग जाएगा उसके बाद भी आपको केबल मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो बेसिकली ये लोग केबल नीचे की तरफ आएंगे उनको पीछे की तरफ आने की रीज़न ये भी एक इशू हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो क्लिप है ये बाहर की तरफ आया था, तो उस तरफ हमें फेसिंग करके लगाना पड़ता है स्टाइल में लटा इसमें। ये जो हमारा पिन है बेसिकली इसका जो साइड में एक क्लिप टाइप का दिया हुआ है, ये बेसिकली ये बाहर की तरफ आता है, बाहर की तरफ एक क्लिप लगा हुआ है, इसको ज़रा मैं बता देता हूँ। इसका जो बाहर की तरफ है फोकस आ रहा है कि नहीं आ रही हूँ, बट क्लिप एक आता है मदरबोर्ड में तो उसके साथ ही कनेक्ट होना चाहिए, उसको अगर मैं लगा देता हूँ। तो ये अच्छे से बैठ जाएगा एंड हमारा यहाँ का जो काम है वो हो चुका है। अब हम करने ये वाले कि जो पीछे जो हमारा वायर है इसको थोड़ा देर हमें सॉफ्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली इसके केबल्स कुछ ज़्यादा ही हद तक छोटे हैं, ये बहुत बड़ा यू नो इशू बाद में कर सकते क्योंकि बस ये इतने ही आ रहे, उसके बड़े वो जा ही नहीं रहे। तो देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। बे काम करते जल्दी से हार्ड डिस्क पर हम जाते हैं, तो ये हमारा जो हार्ड डिस्क है कंसिस्टेंस का, इसको हम जल्दी से इंस्टॉल कर, इसको हम जल्दी से पहले अनबॉक्स करते हैं उसके बाद इंस्टॉल भी कर लेते हैं। ये जो हमारा SSD है कंसिस्टेंस का हमने लिया है 500 GB का 2 साल के वारंटी के साथ। इसके पहले भी हमने यही ब्रांड का यूज़ किया था जो कि एक्चुअल में काम काफ़ी अच्छा कर रहा है एंड ऑन बजट में भी हमें फिट बैठ रहा था। इसका सील हम ब्रेक कर लेते हैं, इस टाइप से इसका सील ब्रेक हो जाता है। के बाद इसको निकालते हैं, एकदम संभाल के आप निकालना मैं तो बोलूँगा क्योंकि हार्ड डिस्क है, थोड़ा संभाल के रहो तो ये अच्छा है। तो ये स्पंज हमें मिल जाता है और ये हमारा हार्ड डिस्क है 700 GB का, कुछ ऐसा दिखने में एंड सर्वेलेंस ड्राइव का नाम लिखा हुआ है, इसमें वही सील लगा हुआ है एंट्रेंस का। तो अब इसको हम एक बार सील खोल देते हैं, इसका सील हम जल्दी से ब्रेक कर लेते हैं।
तो इसका सील हमने ब्रेक कर दिया, इसको हम निकाल देंगे देखते। तो ओके, तो ये है हार्ड डिस्क, काफ़ी हैवी सा फील आ रहा है सर्वेलेंस ड्राइव करके, तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं जल्दी से, उसके बाद हम बाकी का आपको बताते हैं। बेसिकली आपको करना क्या है कि हर हार्ड डिस्क का मतलब जो कैबिनेट का हार्ड डिस्क लगाने का पोजीशन अलग होता है, जैसे इसका नीचे की तरफ है, तो इसको हम करेंगे ये कि मैं आपको बताने की ट्राई करता हूँ। तो बेसिकली ये जो है इसको हम हमारा कैबिनेट है जो कि आपको बताया मैंने कंसिस्टेंस का, इसको अब हम लगा के देखते हैं कि ये बैठ गया कि नहीं स्क्रूज लगने के पोजीशन से। पोजीशन में लग जाए तभी भी चल जाएगा। हमने इसको लगा दिया, ये यहाँ पे एक स्क्रू, यहाँ पे एक स्क्रू, इसकी चार स्क्रू है हमारे पास। अभी स्क्रू का थोड़ा शॉर्टेज हो चुका है, इसके लिए हमने अभी इन्होंने दो पे ही लगाया हुआ है, पता बता के तो नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा ये हमारा हार्ड डिस्क है। बेसिकली हम नहीं करने ये वाले कि इसका ये जो केबल है ये हम पीछे से लगाने का ट्राई कर रहे थे, बट यू नो टाइट हो रहा था, तो इसके लिए हमें ये डायरेक्ट ऐसे सामने से ही लगाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। इसको आपको इसका जो कट मार्क है ना ये आपको देख लेना है कि कौन सी तरफ है, दिखाई आपको बता दूँ इस तरफ कट मार्क है, एंड हार्ड डिस्क का कौन सी तरफ है वो आपको एक बार देख लेना है। तो मैं एक बार देख के आपको बताता हूँ, आपको अगर मैं बताऊँ अच्छे से तो इस तरफ एक कटआउट मार्क दे के रखा हुआ है, क्योंकि मैंने ट्राई तो कर रहा हूँ बताने का, उसका देखते क्या है। तो दोस्तों बेसिकली अभी हमें करना ये कि यहाँ पे क्या लगता है, इसलिए मैं आपको ज़रा बताने की ट्राई करता हूँ। यहाँ पे हमारा एक सेकंड, जो यहाँ पे हमारा है USB 3.2 और USB के जितने भी पोर्ट्स है हमें मिल जाते हैं। तो ये जो हमारा केबल है बेसिकली ये हमारे ऑडियो का है, USB का ये सब है केबल, तो इसको भी हमें लगाना होगा। तो चलो लगाते इसको एक बार जल्दी से, उसके बाद हम रखते हैं। तो बेसिकली ये जो है USB का पिन है, कुछ ऐसा होता है लास्ट में एक जो रहता है ब्लैंक रहता है, तो ये आपके एक्चुअली मदरबोर्ड पे डिपेंड करता है कि वो कौन से तरफ फेसिंग रहता है, जैसे इसका इस तरफ है, ठीक है मुझे रखो बता दें, इस ये वाला पे हमें लगाना होगा। तो लगा देना है, तो ये हमारा ऑक्स जो ऑडियो का है, पता नहीं ये ऑडियो का है, इसमें ये बीच में रहेगा, एंड ये बेसिकली एकदम ही लास्ट पोजीशन में हम कह सकते हैं, ये वाला जो पिन है ये लास्ट वाला इसमें लग देने वाला है, इसको वो देख के लगाना होगा। हर कैबिनेट में ये वाले पिन होते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास रीसेट SW का है, HDD प्लस माइनस पावर का है, पावर SW, और ये हमारा जो LED प्लस पावर LED प्लस माइनस ये वाले है, तो ये वाले जो है इसका हमें लगाना होगा। तो ये जो रीसेट SW है इसको हमें पहले लगाना होगा, और इसका जो पिन है मैं आपको बता दूँ ज़रा, ये जो कलरिंग वाले जो पिन्स आपको दिख रहे होंगे इस तरफ, वो वाले पिन्स में आपको लगाना होगा। तो जल्दी से इसको हम लगा देते हैं। सिंधा हमने यहाँ पर कम्प्लीट कर दिया, सब बताने का ट्राई करते हो। यहाँ पर बेसिकली जो था हमने सब लगा दिया है एकदम अच्छे तरीके से। तो अब हम करते ये कि इसका जो साटा केबल है जो कि हार्ड डिस्क से जाके इसमें जाने वाले, उसको हम लगाते हैं जल्दी से। वो जो कि हमें तो ब्रांड से मदरबोर्ड के ब्रांड से मिल चुका था, उसी को हम यूज़ करने वाले। तो बेसिकली हमें जो ये वाला हमें जो वहाँ से मिला था मतलब मदरबोर्ड से, उसी हम इस केबल को यूज़ करने वाले। इसका केबल रेड है तो कभी सही है, देन कुछ सब लिखा हुआ है। तो चलो इसके बाद कनेक्ट कर लेते हैं, बाकी हमारा जो बेसिकली पूरा सेटअप है कंप्लीट हो ही जाएगा देखने जाते।
उसके बाद एक बार ऑन करके हम देखने वाले। इसका भी वही सेम सीन है, ये जो पिन का होता है यहाँ पे आपको देखा होगा पिन का, वही आपको हार्ड डिस्टेंस उससे साटअप होता है वहाँ पे आपको देख लेना है कि कैसा क्या जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये वाला जो पिन है बेसिकली कुछ ऐसा लगने वाला है, ये इस तरफ रहेगा हार्ड डिस्क के आई मीन के से सामने लगने ऐसा करके लग जाता है, ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाता जाते। एंड ये जो केबल हम मेरे पास है ये वाला इसका जो पोर्ट है, ये हमारे जो साटा का जो पोर्ट है यहाँ पे एक दो तीन चार चार साटे के पोर्ट्स में आप मेरे से आप जिसकी मन पड़े आप उसमें लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अभी इसमें लगाना है तो मैं इसमें लगा दूँगा, बस जाकर ये ऑटो क्लिप हो जाता है, बस हमारा जो भी है हो चुका है। तो जो वायर मैनेजमेंट का सीन है ये हम लोग इसको कल देखने वाले, क्योंकि अभी इसका वायर मैनेजिंग का जो ये है हमारे पास है नहीं, तो उसके लिए चलो दुकान जाकर मिल जाएंगे। तो ये हमारा कैबिनेट आ चुका और ये हमारा जो 512 GB का SP सिलिकॉन पावर का है, मैंने जो इसको अनबॉक्स कर लिया था, अभी हमने टेम्प्रेरी वाइज रखा है इसके निकालते हैं, अनबॉक्सिंग ऑलरेडी हो चुका था तो इसे अभी हम लगाना होगा। ये हमारा ये देखते ये नीचे की तरफ लगने वाला है, आई थिंक इसका जो पावर केबल है आपको बता देता हूँ ज़रा, जो पावर केबल को आपको हमसे याद रखना है, ये जो कटआउट लगा हुआ है इस पर आपको ज़रा ध्यान रखने की, और हमारे जो SSD का वो कटआउट कहाँ पर है, जैसे यहाँ पर है कटआउट तो इस सबसे ये जो है कुछ इस टाइप में ऐसा फिट होता है। ऐसे टाइप से फिट बैठ जाता है ये एकदम, देख लो पूरा एकदम कवर हो जाता है। मेरे को देख मुझे अब देखना है कि ये किस डायरेक्शन में बैठेगा, इसके लिए मैं एक बार ट्राई करूँ अगर ऐसा लगाते तो होगा कि नहीं। तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये दो स्क्रूज के पोर्ट आ गए और यहाँ पे भी दो आने वाले, उधर मैं कभी बता देता हूँ ऐसे स्टाइल में रहेंगे, आपको दिख रहा होगा चार ही हो गए। तो एक काम करते हैं जल्दी से इसको हम स्क्रू अप कर लेते हैं। दोस्तों कुछ इस टाइप से मैंने चारों स्क्रूज को लगा दिया, तो अब इसको थोड़ा हम सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पर है बेसिकली हमारा SSD, वो दिख रहा होगा SP, ये वायरिंग की वजह से नहीं दिख रहा होगा, SP 512 GB का हमारा SSD और ये 500 GB का हार्ड डिस्क है कंसिस्टेंस का। अब जो है कि हमें साटा केबल लगाना है, तो साटा केबल खुलाते हैं। तो बेसिकली ये हमने साटा केबल अलग से ख़रीदा है, क्योंकि मदरबोर्ड के साथ तो एक ही साटा केबल हमें मिला था, और ये साटा केबल थोड़ा अलग टाइप का भी है, मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मल साटा केबल्स की यहाँ पे आपको ने देखा होगा पिन टाइप के लगे होते हैं, इसमें भी आपको दिखाई दे पता होगा, इसमें जो हमने लगाया था इसमें पिन लग टाइप का था कुछ इस पोजीशन पे, बट ये वैसा नहीं है, ये नॉर्मल प्लग एंड प्ले टाइप का है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, तो चलो इसको हम लगाते हैं जल्दी से। ये जो साटा का जो पोर्ट है यहाँ पे आपको लगा देना है, अच्छे से ये बैठ जाएगा। एंड यहाँ का जो पिन है ये वाला इधर वाले पिन पे आपको एक बार देखना होगा, कुछ इस टाइप में बैठेगा, कुछ इस टाइप में ये पूरा फिट बैठ जाता है। तो चलो इतना तो हमारा काम अभी तो हो गया, अब साइड में कर लेते हैं, ठीक है ऑलमोस्ट भी हमारा जो भी काम है सब हो चुका है इसमें का। अभी हमारा सिर्फ एक ही है कि वो एक ही यहाँ का फ़ैन के लिए, तो वो भी हमारे पास आने वाला है, देखते हैं वो कब तक आता है कि नहीं आता है। तब तक हमें वो इसको ऑन करके देखते हैं। तो चलो जैसे पता है कि हमने यहाँ पे SSD लगाया हुआ है, ये उसी का वायर है साटा केबल है उसका। तो भाई जिनका प्रोडक्ट है उन्होंने कहा है कि फ़ैन लगाने के लिए बेसिकली यहाँ की तरफ, तो यहाँ का जो साइज़ है बेसिकली ये एकदम छोटा वाला जो साइज़ होता है वो वाला है 80 mm का,
तो ये हमारे पास आ चुका है 1 mm का फ़ैन, तो अब हमें इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। और अगर आपको मैं बता दूँ, अगर आपको समझ में ना आए कि आपको कहाँ पे मतलब एयर फ्लो कहाँ से होने वाला है और ये फ़ैन किधर से घूमेगा, तो इस तरफ जैसे वायर निकल रहा आपको दिख जाएगा, आपको ज़रा बता दूँ कि रोटेशन कौन सी तरफ है, एयर फ्लो कौन सी तरफ है। तो बेसिकली फ्लो जो है ये यहाँ से हवा खींच के इधर फ्लो करेगा, तो इट मीन्स कि कुछ इस टाइप में ये फिट होने वाला है। तो ये काम करते हैं, जल्दी से इसका स्क्रूज निकालते हैं और इसको एक करके फिट करना चालू कर देते हैं। तो दोस्तों एक्चुअली हमने अभी 2 स्क्रू लगाया हुआ है, यहाँ पे एक, इन दोनों पे हमने अभी तक लगाया नहीं है, क्योंकि भाई मेरे को एक्चुअली चेक करने का है कि इसका फैन वैन सब काम कर रहा है कि नहीं। तो अगर इसका वायरिंग सब देख लेते हैं, उसके बाद इसको ऑन करके देखेंगे। तो बेसिकली इसका जो हमारा कीबोर्ड दिया हुआ है, कनेक्टर दिया हुआ है, ये हमारे आपको अगर मैं बताऊँ तो ये जो हमारे हार्ड डिस्क के साथ ही और एक केबल आता है, मैं आपको बताता हूँ। वायर राइटिंग थोड़ा छोटा होगा, बट आई विल ट्राई टू, ये वाला जो आपको केबल दिखा दूँ मैं, यार आपको जो अगर केबल दिख रहा होगा तो ये वाले केबल पे ये कनेक्ट होने वाला आपको दिख ही रहा होगा। इसको करना कुछ नहीं है, बस इस तरीके से हमें इसको पिन करना है, ऐसे नहीं, सॉरी ऐसे, ओके। ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, नॉर्मली रखना है, ये ऑटोमेटिकली क्लिप हो जाता है, करके हमें इसको अंदर की तरफ रख देना है। बट एक इशू हो गया कि क्योंकि इसका वायर मैनेजमेंट एकदम ही छोटा छोटा सा दिया हुआ है, वो जैसा पता ही होगा सब वायर हमको चाह के भी हम ऐसे पीछे से नहीं दे सकते थे, आपको जैसा पता ही है, इसका वायर ऐसे सामने से जाएगा और नीचे से भी जाने का कोई ऐसा चांस दिख तो नहीं रहा, तो वो ये अब इशू हो गया। तो देखते अब क्या करना है, इसके साथ भी हम लगाते हैं। तो इस टाइप से रहेगा, इसको हम रख देंगे, ये बेसिकली ऐसा है जैसे ऐसे रख देंगे तभी चल जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि इतना ध्यान रखिएगा कि इसका ये जो वायर है ये बेसिकली मदरबोर्ड के एकदम सामने ना चला जाए, बस इतने ये चीज़ का ही ध्यान रखेंगे तो ये हमारे लिए बहुत है। तो काम करते इसको अब चालू करते हैं, चालू करके हम देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बाहर चल, तो चलो इसको कनेक्ट करते हैं जल्दी से। बंद करो, पता है बंद, ऊपर से बंद करो। ये कुछ दो स्क्रू लगे हुए हैं, एक दो साइड का फिटिंग पे ऊपर, ऐसा होता नहीं है।